अनुसूचित जाति जनजाति के उत्पीड़न से जुड़े कानून एससी एसटी एक्ट के प्रावधानों में पिछले साल सरकार की तरफ से किए गए संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। जस्टिस अरुण मिश्र, जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस रविंद्र भट्ट की बेंच ने सोमवार को इस मामले में 2-1 से फैसला दिया, यानी दो जज फैसले के पक्ष में थे और एक ने इससे अलग राय रखी। इस मामले में याचिकाकर्ता प्रिया शर्मा ने कहा कि मार्च 2018 में कोर्ट ने कहा था कि एफआईआर दर्ज करने से पहले अधिकारियों से मंजूरी लेनी होगी, यानी उसके बाद ही एफआईआर दर्ज की जा सकेगी। लेकिन अब एफआईआर दर्ज करने के लिए इसकी जरूरत नहीं होगी, यानी एससी एसटी एक्ट अपने मूल रूप में रहेगा। लेकिन अगर अदालत को लगता है कि आरोपी के खिलाफ सबूत नहीं है तो वो अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है। आपको बताते हैं कि एससी एसटी एक्ट को लेकर अब तक क्या क्या हुआ। 20 मार्च 2018 सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की बेंच ने स्वतः संज्ञान लेकर एससी एसटी एक्ट में बदलाव किया। तब कोर्ट ने माना था कि एससी एसटी एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी की व्यवस्था के चलते कई बार बेकसूर लोगों को जेल जाना पड़ता है, लिहाजा कोर्ट ने तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। इस आदेश के मुताबिक मामले में अंतरिम जमानत का प्रावधान किया गया और गिरफ्तारी से पहले पुलिस को एक प्रारंभिक जांच करनी थी। 9 अगस्त 2018 फैसले के खिलाफ प्रदर्शनों के बाद केंद्र सरकार एससी एसटी एक्ट में बदलावों को दोबारा लागू करने के लिए संसद में संशोधित बिल लेकर आई, फिर सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर कर फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की गई। 1 अक्टूबर 2019 शीर्ष अदालत की 3 जजों की बेंच ने 2 जजों की बेंच के फैसले को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा एससी एसटी एक्ट के लोगों को अभी भी देश में छुआछूत और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है, उनका अब भी सामाजिक रूप से बहिष्कार किया जा रहा है और देश में समानता के लिए अभी भी उनका संघर्ष खत्म नहीं हुआ है। लेकिन अब एससी एसटी एक्ट में सरकार की तरफ से किए गए संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। अब एससी एसटी एक्ट अपने मूल रूप में ही लागू रहेगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।